दिल्ली के आजाद मार्केट में बड़ा हादसा हो गया। आजाद मार्केट में बन रही है 4 मंजिला इमारत, गिरी, 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है। आपको यह भी बता दें कि अब भी मलबे में कई मजदूर जो हैं वो दबे हुए हैं। मौके पर राहत और बचाव की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कर रही हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ा हादसा जो है दिल्ली में हुआ है और 3 मजदूरों की मौत हो गई है और दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं। आपको ये भी बता दें कि प्रशासन के तमाम आला अधिकारी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। तो दिल्ली के आजाद मार्केट में बड़ा हादसा हुआ है और 4 मंजिला इमारत गिरी है। आपको बता दें कि हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो मौके पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौजूद हैं और अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका जो है जताई जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विनय जुड़ चुके हैं। विनय, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है अब तक? देखिए बिल्कुल, ये एक बहुत दुखद खबर आई है दिल्ली से कि सुबह लगभग 8:30 बजे दमकल विभाग को एक कॉल गई। आजाद मार्केट में एक 4 मंजिला इमारत जो कि निर्माणाधीन थी उसके गिरी है। इसमें 3 मजदूर, क्योंकि ये मजदूर इसी इमारत में रहे थे क्योंकि निर्माणाधीन थी इसलिए इसका निर्माण भी वो यही मजदूर कर रहे थे। 4 मंजिला इमारत गिरी है। अब राहत बचाव का काम जारी है क्योंकि ये आशंका है कि अभी इस मलबे में कुछ और लोग दबे हो सकते हैं। हालांकि संख्या 6 से 7 बताई जा रही है, लेकिन अब लगातार कोशिश की जा रही है कि मलबे से जो लोग हैं उनको निकाला जाए। सबसे ज्यादा दिक्कत ये आ रही है क्योंकि ये इलाका जो पूरे, अगर हम आजाद मार्केट की बात करें तो पूरा संकीर्ण इलाका है, बहुत तंग गलियां हैं, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह की मशीनरी का जाना संभव नहीं है। फायर ब्रिगेड बशर्ते यहाँ पहुंची है, लेकिन फायर ब्रिगेड भी बाहर खड़ी है। तमाम जेसीबी को भी अंदर लाने की कोशिश की जा रही है, वो भी अंदर नहीं घुस पा रही है। ये तमाम सारी दिक्कतें, इसलिए अभी फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं और जो राहत बचाव के लोग हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं, वो मैनुअली यानी कि हाथ से ही मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से छोटी सी मशीन या जेसीबी जिससे मलबा धीरे धीरे हटाया जाए वो उस गली में लाया जाए, लेकिन पूरा इलाका बहुत संकीर्ण है, गलियां संकीर्ण है, जहां ये इमारत गिरी है वो भी संकीर्ण है। ऐसे में यहां दिक्कत काफी आ रही है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है राहत बचाव के लिए यहां जुटी हुई है, स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। अब देखना है कि कितने लोगों विनय, यही 3 जिंदगियां तो इस मलबे में दफन हो गई हैं, लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है कि और कितने लोगों के फंसे होने की आशंका है? 6 से 7 लोगों की बताई जा रही है कि आशंका है वो मलबे में दबे हो सकते हैं और उन्हीं को सबसे पहले निकालना प्राथमिकता है यहाँ पे, इसलिए धीरे धीरे करके मलबा हटाया जा रहा है। मशीनरी का इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि मशीनें या फिर किसी भी तरह का कोई अंदर जेसीबी या छोटी मशीन अंदर नहीं जा सकती है, बहुत तंग गलियां हैं, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है किसी मशीन के जरिए इस मलबे को धीरे धीरे हटाया जाए ताकि जो लोग दबे हैं उनको निकाला जाए। तो प्राथमिकता यही है। एहतियात के तौर पे आसपास की इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया गया है, एम्बुलेंस और जो अन्य गाड़ियां हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी अगर कोई व्यक्ति मलबे से निकलता है तो उसको तुरंत प्राथमिक जांच की जरूरत होगी, उसके लिए एम्बुलेंस की टीम बुला ली गई है, डॉक्टर की टीम बुला ली गई है, लेकिन सवाल यही है कि धीरे धीरे वहां से लोगों को निकाला जाए और उसके बाद अब देखना है कि कब तक यहां से जो मलबे में लोग दबे हैं उनको निकाला जाता है। 3 मजदूर जो कि यहां बिल्डिंग में निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम करते थे उनकी मौत हो चुकी है। अब चूंकि ये बिल्कुल सुबह का मामला है, 8:30 बजे करीब दमकल विभाग के पास ये कॉल गई है और सुबह के टाइम अमूमन होता है कि लोग विश्राम अवस्था में होते हैं, सो रहे होते हैं, इतनी एक्टिविटी नहीं होती है, तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि यह हादसा है ज्यादा भयानक हो गया क्योंकि अगर दिन का टाइम होता तो अगर इस तरह की इमारत गिरती है या कोई हादसा होता है तो अफरा तफरी से लोग भाग जाते हैं, लेकिन चूंकि ये लोग सो रहे थे उस टाइम इनको इतना मौका नहीं मिला और अब देखना है कि क्या स्थिति रहती है, कितने लोग यहाँ से मलबे से निकाले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए आपका। नजर बना के रखें, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते। ये बड़ी खबर गोवा से सामने आ रही है। आपको बता दें कि गोवा में ढाया जा रहा है कर्लिस क्लब। बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि तोड़ा जा रहा है कर्लिस क्लब का अवैध निर्माण। ये भी आपको बता दें कि इस क्लब में सोनाली फोगाट को ड्रग्स दी गई थी और मौके पर गोवा प्रशासन का डोमिनेशन दस्ता जो है वो मौजूद है। 23 अगस्त को कर्लिस क्लब में ही सोनाली फोगाट की मौत हुई थी
तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि गोवा में कर्लिस क्लब जो है वो तोड़ा जा रहा है। मौके पर गोवा प्रशासन का डोमिनेशन दस्ता जो है वो मौजूद है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि चंदेल जुड़े हुए हैं। रवि, जानकारी चाहेंगे, बड़ा एक्शन जो है गोवा प्रशासन की तरफ से लिया गया है। देखिए, गोवा के कर्लिस होटल की जो वहाँ पे था उसको लेकर जो है एनजीटी के द्वारा जो अप्रूवल दी जाने की अप्रूवल नहीं मिली थी, जिसके तहत जो है बाकायदा जो है कोर्ट में सीआईएल लगाई गई थी, जिसको अब जो है कोर्ट में बर्खास्त कर दिया गया है और अब जल्द ही गोवा के कर्लिस होटल को जो है वो डिमोलिश किया जाएगा। आपको बता दें कि गोवा का ये वही कर्लिस होटल है जहाँ पर सोनाली सौगात की जो है वो मृत्यु हुई थी और गोवा के कर्लिस होटल के मालिक को जो है अभी भी एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे थे। आपको बता दें कि गोवा के जिस क्लब में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत हुई थी, अब बड़ा एक्शन गोवा प्रशासन की तरफ से लिया गया है और अब कर्लिस क्लब को तोड़ा जा रहा है। गिराने के आदेश जो हैं वो दिए गए हैं और गोवा प्रशासन जो है वो मौके पर मौजूद हैं। तो 23 अगस्त को सोनाली फोगाट की मौत हुई थी। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि हरियाणा में आज चल रही हैं बसें, क्योंकि जिस तरीके से बीते कल हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी हड़ताल पर गए थे, आज से बसें चल रही हैं। परिवहन मंत्री से मुलाकात के बाद जो है वो सहमति बन गई है। तो हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से बैठक के बाद ये सहमति बनी है। आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज संघ ने देर रात खत्म की है हड़ताल और जगबीर के बेटे संदीप का अब तक नहीं हुआ है पोस्टमार्टम। पिता की मौत से आहत होकर जगबीर के बेटे संदीप ने जहर खाया था और उसके बाद उनकी भी मौत हो गई थी। बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, क्योंकि बीते कल जिस तरीके से प्रदेश के अलग अलग जिलों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई, जहां पर रोडवेज के कर्मचारी जो थे वो हड़ताल पर गए हुए थे, क्योंकि रोडवेज के मामले में सोनीपत के जगबीर की मौत हो गई थी और उसी को लेकर जो था रोडवेज के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए थे और जल्द से जल्द मांग की जा रही थी प्रशासन की तरफ से। बच्चे की नौकरी की बात थी या जो लोग 302 का पर्चा दर्ज किया है और जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाए और जल्दी से जल्दी उनको सजा मिलने का काम हो, और जो इनकी जो घायल हुआ है उसकी बात थी, और जो साथी हमारे बीच में थे ड्राइवर गए, ड्राइवर जिसको मारा है, और जो भी मत है हम करेंगे, जो मत की हमने की है वो मत इनकी करेंगे। नहीं, मेरा ये कहना है कि जो 50 लाख की जो इनकी घोषणा है, जो भी इनका जाय बनता है, जो भी नौकरी का बनता है, जिस तरह से मिली है जानकारी वो पेपर उनको सरकार को भेजूंगा, जो भी इन्हें देने का काम करेंगे। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, बड़ी और अहम जानकारी हरियाणा से सामने आ रही है। आपको बता दें कि जगबीर सिंह हत्या मामले में सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है, परिवार को भरोसा दिया है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। तो हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी था जगबीर और कुंडली थाने के बाहर रोड रेस में हुई थी मौत, और पिता की मौत से आहत होकर जगबीर के बेटे संदीप ने भी जहर खा लिया था और जिसके बाद संदीप की भी मौत हो गई। लेकिन अब सीएम मनोहर लाल ने परिवार को भरोसा दिया है और उन्होंने कहा है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, साथ ही साथ जो भी एक्शन होगा आरोपियों के खिलाफ वो सरकार जरूर लेगी। बहुत ये बड़ी दुर्घटना, मैं कह सकता हूँ कि जो उस ड्राइवर का जो उसकी हत्या कर दी गई एक्सीडेंट करके, और उसके ऊपर हमारी पुलिस जो है पूरी कार्रवाई करेगी। और दूसरी जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये है कि उनके बेटे ने भी सुसाइड कर लिया है, तो हमने उनको कहा है कि जो भी डिपार्टमेंट की ओर से सहायता करनी वो करेंगे ही, परिवार के एक सदस्य को नौकरी की बात भी हमने कही है और जल्दी ही जो ये कल्प्रेट है वो पकड़े जाएंगे। और पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सोनीपत से हमारे सहयोगी सनी मलिक। 6 दिसंबर को सोनीपत के कुंडली थाना के सामने एक थार गाड़ी ने हरियाणा रोडवेज के 3 कर्मचारियों को कुचल दिया था, जिसमें हरियाणा रोडवेज का चालक जगबीर की मौत हो गई थी और जिसके बाद कल
हरियाणा रोडवेज के सभी कर्मचारियों ने चक्का जाम है वो रखा, लेकिन देर रात परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों के साथ एक बैठक है वो आला अधिकारियों की हुई और आज चक्का जाम को है वो खोल दिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी सोनीपत के बस स्टैंड पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर जो बसों का आवागमन है अब वो शुरू हो चुका है और लोगों को एक राहत है वो मिली है, दैनिक यात्रियों को एक राहत है वो मिली है, क्योंकि कल पूरे हरियाणा में रोडवेज का चक्का जाम था और सभी बसों के पहिए थम गए थे जिसके चलते दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन परिवहन मंत्री के साथ जो बैठक हुई हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की, उसमें हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की जितनी भी मांगे थी वो मान ली गई है, जिसमें मुख्य मांगे हैं जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द हरियाणा पुलिस है वो गिरफ्तार करेगी और आर्थिक सहायता है वो पीड़ित परिवार को मिलेगी और सी क्लास की नौकरी है वो पीड़ित परिवार के बेटे को दी जाएगी।